केंद्र सरकार आंकड़ों को बदलने में माहिर है। यह दुनिया की पहली सरकार है जिसने अपने ही नागरिकों की मौत के आंकड़े बदल दिए और सही आंकड़े छिपा लिए। सरकार की लापरवाही के कारण लाखों की संख्या में देशवासियों ने जाने गंवाई, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो या अस्पतालों में बेड की कमी। दिल्ली, यूपी, गुजरात, हर जगह पर सरकार की लापरवाही के चलते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और यहाँ तक कि शमशान घाट भी भर चुके थे। गंगा नदी में लाशों का सैलाब बहा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। सरकार कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े नहीं बता रही है ताकि उन्हें मुआवजा नहीं देना पड़े। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना से 50 लाख मौतें हुई हैं। सवाल ये है कि इन कोरोना से मरे लोगों को न्याय कब मिलेगा। राहुल गांधी ने बार बार सरकार को चेताया है और कहा है कि सरकार कोरोना से हुई मौतों से सही आंकड़े पेश करे और मरने वाले के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा दे। कांग्रेस कोरोना काल में अपनी हर संभव मदद पीड़ित परिवारों तक पहुंचा रही थी और अब उनकी न्याय की लड़ाई में कांग्रेस ही लड़ रही है। एक अच्छे और सच्चे नेता की यही बात होती है कि वो देश की जनता की आवाज उठाए और उसे न्याय दिलाए। राहुल गांधी देश के सच्चे सेवक हैं, जो जनता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।